सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 103वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का द्वितीय पाद पिछली कक्षा में समाप्त हुआ था। अब आगे तीसरा पाद प्रारंभ करेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, स्मृति, स्मार्त और श्रोत में किस तरह से हम भेद करेंगे? श्रुति से, वेद आदि शास्त्रों से, और फिर थोड़ा ये विस्तार कर देते हैं तो उपनिषदों से, उनसे जो चीज ली जाती है उसको श्रोत कह देते हैं। और वेदादि शास्त्रों को पढ़ के, अनुभव लेकर के, और फिर उसका याद करके, स्मरण करके जो ग्रंथ लिख दिए जाते हैं, लिखे गए, उनको स्मृति नाम से कह दिया गया। और स्मृति में जो बातें कही गई उनको स्मार्त कहा गया। स्मृति से जो ली गई हैं, स्मृति में जो कही गई हैं, उनको स्मार्त कहा गया। ठीक है, श्रुति से जो सीधे लिए गए उनको श्रोत कहा गया। और कोई नहीं तो आगे देखिए। चौथे अध्याय का तृतीय पाद पहला सूत्र, अर्चिरादिना तत्प्रतिथे। पीछे इन्होंने एक क्रम बताया था, मृत्यु के बाद में जब यहां से जाते हैं तो कैसे कैसे क्रम में जाते हैं। जो ब्रह्मोपासक हैं, शरीर को छोड़ करके ऊर्ध्व नाड़ी से जाते हैं तो कैसे जाते हैं, ये जो वर्णन पीछे आया था, तो उसमें अर्ची का भी, किरणों का भी कथन आया था। उसको लेकर के यहां पर कहा गया है कि ये जो कथन है कि किरणों से जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें इन्होंने कहा कि अर्ची आदि के द्वारा जाते हैं, वो वहां पर प्रथित होता है, फैला हुआ होता है, विस्तृत होता है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। भाष्य देखिए, ब्रह्मोपासकानां विदुषां शरीरात उत्क्रांति ही। ब्रह्म की उपासना करने वाले जो विद्वान हैं, यानी जो मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे उनका शरीर से जो उत्क्रमण होता है, शरीर से जाते हैं, वो कैसे, मूर्धन्यया नाड्या प्रदर्शिता। सबसे ऊपर वाली मूर्धन्य जो नाड़ी है, 101 में से जो 101वीं कही जा रही है, उससे वो ऊपर जाते हैं। अपिच तदानीम ते रश्म्यानुसारिणो भूत्वा ब्रह्मलोकम गच्छन्ति। और साथ में ये भी कहा, उस समय वे रश्मियों के अनुसार होते हुए, रश्मियों जैसे होते हुए, उनके अनुरूप ब्रह्मलोक को जाते हैं। इत्युक्तम, ये भी कहा, यानी इस नाड़ी से निकलते हैं, फिर रश्मि के अनुसार चलते हैं, फिर ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो ये बीच में जो रश्मि का वर्णन आ गया, किरणों का, तो ते कया रीत्या गच्छन्ति इत्युच्यते, वो किस रीति से, किस शैली से जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में कह रहे हैं। तो अर्चिरादिना, इसको खोला इन्होंने, देवयान पथे वर्तमान ही अर्चिरादि भी अवलंबन ही। अर्चिरादि के साथ मतलब देवयान पथ में, एक पितृयान और एक देवयान, तो जो मुक्ति प्राप्ति वाला मार्ग है वो देवयान कहलाता है। उस रास्ते में वर्तमान जो अर्ची आदि हैं, किरणें आदि हैं, उनके अवलंबन के द्वारा, उनकी उनकी सहायता, उनका सहारा लेते हुए ये आगे जाते हैं। तद्यथा, उसके लिए अब ये इन्होंने एक वचन दिया है छांदोग्य उपनिषद का, तदय इत्थम विदुहु। तो जो ये इसको जान लेते हैं, इस प्रक्रिया को जान लेते हैं, वे क्या करते हैं, ये इसको जान लेते हैं, और ये चेमे अरण्य जंगल में जो लोग श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा से रहते हैं और तप का पालन करते हैं, तप करते हैं, उपासना करते हैं, ते अर्चिशम अभिसंभवन्ति, वो अर्ची में उत्पन्न हो जाते हैं, अर्ची में पहुंच जाते हैं, किरणों में पहुंच जाते हैं। ये प्रतीकात्मक हैं ये सारे लक्षण,
अंदर की दृष्टि से देखेंगे तो इसको ज्ञान या विचार उसके स्तर पर मानेंगे, और बाहर से देखेंगे तो यह प्रकाश की किरण है, इसको ये हमें प्रतीत होंगी। तो ते अर्चिषम अभिसंभवंती, वहां से कहां जाते हैं, अर्चिषो अह, किरणों से वो दिन में आते हैं, यानी किरणें एक छोटी चीज हो गई और दिन एक बड़ा हो गया। बहुत सारी किरणें बहुत देर तक बनी रहती हैं तो उसको हम दिन कहते हैं। किरणों का आधिक्य ही तो दिन है, अधिक देर तक और अधिक मात्रा में जब रहती हैं तो वो दिन कहलाता है, तो अर्ची से वो दिन में आ जाते हैं। और अन्न आपूर्यमाण पक्षम, और दिन से वो पहुंच जाते हैं शुक्ल पक्ष में। आपूर्यमाण पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो जिस पक्ष में आपूर्ण हो रहा है, भर रहा है, वो चंद्रमा बड़ा होता जा रहा है, वो आपूर्यमाण पक्ष हो गया, यानी शुक्ल पक्ष में। और आपूर्यमाण पक्षात षड उदंगेति मासान, तो उसके बाद में फिर वो छह उत्तर वाले महीनों में आ जाता है, यानी उत्तरायण के छह महीनों में चला जाता है, ये और आगे प्रगति कर जाता है। मासेभ्य संवत्सरम, और ये छह महीने के बाद में, ये छह महीने में हुआ और इससे फिर वो संवत्सर में, वर्ष में चला जाता है। संवत्सराद आदित्यम, संवत्सर से फिर वो आदित्य में चला जाता है, तो आदित्य के कारण ही ये सारे के सारे बन रहे हैं, दिन आदि हैं, उसका जो प्रकाश आ रहा है, वर्ष बन रहा है इत्यादि। आदित्य चंद्रमसम, आदित्य से वो चंद्रमा लोक में चला जाता है जहां की सुख होता है। चंद्रमसो विद्युतम, और चंद्रमा से वो विद्युत में आ जाता है, प्रकाश में आ जाता है, चमक में आ जाता है। और वो कैसा बनता है, तत्पुरुषो अमानवः, वो ऐसा पुरुष जो ये ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुआ है वो अमानव हो जाता है, मनुष्य नहीं रहता, अर्थात मनुष्य से ऊपर उड़ जाता है, जैसे देवयान पथ पे है देव बन जाता है, मनुष्यों से ऊपर की स्थिति में चला जाता है, वो मनुष्य नहीं रहता है। और फिर स एनान ब्रह्म गमयति, और वह ये जो ऊपर की तरफ गया हुआ मनुष्य है, ये एनान इन मुमुक्षुओं को, जो सामान्य जन है, बिल्कुल सामान्य नहीं लेकिन जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जिनकी इसमें रुचि है, उनको ब्रह्म की तरफ ले जाता है। एष देवयान पंथा, ये देवयान मार्ग है, अर्थात ये जो व्यक्ति है जो ऊपर गया इस मार्ग से, फिर ये अन्य मुमुक्षुओं को भी लेकर के जा रहा है। एक स्थिति तो ये है कि यहां से वो बाहर चला गया और शरीर छोड़ करके ऊपर गया, फिर वो इन लोगों को ब्रह्म की तरफ कैसे ले जाएगा। एक है कि वो यहीं रहता हुआ बौद्धिक रूप से ज्ञान के स्तर पर उन ऊंची स्थितियों में पहुंच गया है, और वहां से ये इसको ऊपर ले जाएगा। एषा देवयान पंथा, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन कहा। स एषो अर्चिरादिना निर्दिष्ट है पथक्रमा, अर्ची आदि से जो जाता है उसका पथक्रम क्या है, रास्ता क्या है, एक के बाद एक किस चरण से जाता है, वो यहां पर बताया गया। तत्प्रतिथे तत्प्रसिद्धे अनेकत्र ग्रंथ भागेशु प्रतिपादनात् प्रथनाच्च, प्रकर लीजिए इसको, तो उसकी प्रसिद्धि के कारण से वो फैला हुआ है, जो अधिक फैलता है वो प्रसिद्ध हो जाता है, अनेक ग्रंथों में उसका प्रतिपादन किया गया है। तो राजमार्गवत प्रायो ब्रह्मविद भी ही, ब्रह्मविद भी अनुकरणीयत्वात्, वो राजमार्ग के समान हो जाता है। जैसे कैसे फैला हुआ होता है, जैसे राजमार्ग फैला हुआ होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो जैसे फैले फैले होते हैं, ऐसे ही फैला हुआ रहता है, खुला रहता है, उसमें तेजी से जा सकता है, निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा वो राजमार्ग होता है, और जो कि प्राय ब्रह्मविद लोगों के द्वारा अनुकरणीय होता है। ब्रह्मविद लोग उसी रास्ते से जाते हैं, इस प्रथित फैले हुए रास्ते से जाते हैं, जो जानकार होते हैं वो हाईवे से ही जाते हैं, राजमार्ग से ही जाते हैं, इधर उधर से नहीं जाते, छोटे मार्ग से नहीं जाते। तत्रैतम, तत्रैकम तु स्थलम इदम उदाहृतम, तो ये एक उदाहरण तो पीछे दिया छांदोग्य का, उदाहृतम एव अथच अन्यम स्थल द्वयम अपि प्रदर्शते, दो और स्थल बता रहे हैं इसमें, अर्चिरादि से कैसे गमन होता है उसी का ही कथन है। तो आगे का वचन भी इन्होंने छांदोग्य का लिया है, लेकिन ये अलग स्थल का है। अर्चिषम एव संभवंती, अर्ची में उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अर्चिषो अह, किरणों से दिन में, अह आपूर्यमाण पक्षम, दिन से शुक्ल पक्ष में, आपूर्यमाण पक्षात यान षड उदंगेति मासान,
तो शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 महीने में, तान मासे वह संवत्सरम, उन 6 महीनों से वर्ष में, संवत्सरात आदित्यम, वर्ष से वो आदित्य में, और आदित्या चंद्रमसम, आदित्य से चंद्रमा में, और चंद्रमसो विद्युतम, बिल्कुल वो की वो पंक्तियां हैं, तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथ। ये ब्रह्मपथ है, देवपथ है, एक ही बात है। पीछे कहा था एष देवयान पंथा, यहां पर कहा एष देवपथो ब्रह्मपथ, देवपथ है यही ब्रह्मपथ है। और एक वचन दे रहे हैं, ये बृहदारण्यक का है, तेज एवं एतद विदुहु, जो इसको जानते हैं, तेच अमी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते, जंगल में श्रद्धा सत्य की उपासना करते हैं। अब देखिए वहां पीछे जो आया था, तेच इमे अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं, और यहां क्या लिख दिया, श्रद्धाम सत्यम उपासते। तो सत्य जो है वो तप की जगह पे आ रहा है, सत्य को भी बहुत बड़ा तप माना गया है। ते अर्चि भी असंभवत असंभवंती अर्चिशो, बिल्कुल वैसा का वैसा है, वो अर्चियों में किरणों में उत्पन्न होते हैं, किरणों से दिन में, दिन से शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष से 6 महीनों में उत्तरायण में, और वहां से आदित्य में। इति मासेभ्यो देवलोकम देवलोकात आदित्यम, तो इस प्रकार इन महीनों से वो फिर देवलोक में, और देवलोक से आदित्य लोक में। वैद्युतम तान वैद्युतान पुरुषो मानस एति, तो आदित्य से वो वैद्युत में, और वैद्युत से उनको कौन ले जाता है, तो वहां पर कोई पुरुषो मानस एत्य, मानस पुरुष एत्य, एक मानस पुरुष वहां पर आकर के, और उस उनको ऐसे लोगों को ब्रह्म लोकान गमयति, ब्रह्म लोक में ले जाता है। अभी मानस पुरुष को ही आ रहा है, मानसिक स्थिति ऐसी है, तो वो इसको ब्रह्म लोक की तरफ ले जाते हैं बृहदारण्यक। तो कुल मिलाकर के अर्ची और उसके आगे का मार्ग, ये तीन स्थल इन्होंने बताए, इस तरह से होता है। तो अर्चिरादि ना तत्प्रतिथे, अर्ची आदि के द्वारा जो उसका रास्ता का मार्ग है, और वो शास्त्र में बहुत जगह कहा गया है। अब इस वर्णन के बाद में प्रश्न उठाया जा रहा है कि कुछ असंगति लग रही है कुछ चीज की, प्रश्न की जिज्ञासा है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे सूत्र की भूमिका है, अस्तु तरही स एषो अर्चिरादिमान देवयान मार्गो, ये किरणों वाला देवयान मार्ग है, विद्यावताम ब्रह्मलोक गमनाय प्रथितत्वात वास्तविक, जो ज्ञान वाले हैं विद्या वाले हैं उनके ब्रह्मलोक में गमन के लिए प्रथित है, और ये वास्तविक है, ठीक है। किंतु बृहदारण्यक उपनिषदि यो अर्चिरादिमान मार्ग उपदिश्यते, बृहदारण्यक उपनिषद में जो ये मार्ग इसका पथक्रम दिखाया गया, तो शरीरात उत्क्रमण मानस्य तत्र भेदोपि प्रतिपाद्यते, शरीर से उत्क्रमण करते हुए जो मार्ग है उसमें इनकी अपेक्षा कुछ भिन्नता भी दिखाई गई है। क्या है वो, तो ते य एवं ए तद विदु ये चामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चिशम अभि संभवंती अर्चिशो अह, तो ये वचन तो जो का तू है, तो इति तू अर्चिरादिमान मार्ग उपदिष्ट, एक तो ये अर्ची का मार्ग कहा गया जो कि पहले कहा गया, स तु प्रथित छांदोग्य उपनिषद्यपि तस्य वर्णनात्, वो छांदोग्य उपनिषद में भी विस्तार से बताया गया है। किंतु तत्रैव बृहदारण्यक उपनिषदि पुनः, बृहदारण्यक उपनिषद में वही ये एक वचन और कहा गया है, क्या, यदा वही पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रयति, जब ये मनुष्य इस लोक से मर करके आगे जाता है, जब ये पुरुष इस लोक से जाता है, स वायुम आगच्छति, वहां से वो वायु में आ जाता है। अब ये वायु एक यहां नया आ गया, तस्मै स तत्र विजिहीते, उसके लिए ये जो ब्रह्मलोक में जा रहा है, इस लोक से जो मर के जा रहा है उसके लिए, स मतलब वो वायु, तत्र विजिहीते मार्ग छोड़ देता है, जाने के लिए रास्ता छोड़ देता है। कैसे, यथा रथ चक्रस्य खम, जैसे रथ के चक्के का छिद्र होता है बीच वाला, जिसमें लोहा डलता है, केंद्रीय जो होता है एक्सल नाभि में, चक्र की नाभि में जो छिद्र होता है, ऐसा तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते, ये वो छिद्र है, यानी वायु में ने जो स्थान दिया इससे वो फिर आगे निकल जाता है, तो छोटा सा होता है जैसे कि रथ चक्र का मध्य भाग। तो कथम वायु गमन संगति स्यात, ये जो वायु का गमन यहां पर लिख दिया मृत्यु के बाद में, उधर आपने अर्ची आदि का लिखा हुआ था, इन दोनों की परस्पर संगति कैसे होगी, इसका उत्तर दूसरे सूत्र में दिया गया है।
वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम। ये जो वायु शब्द है ये अब्द, अब्द कहते हैं वर्ष को, संवत्सर को। इस वायु शब्द को वहां संवत्सर के बाद में ले लेना चाहिए, जो वहां पर छह मास से फिर संवत्सर का जो कथन किया गया था, संवत्सर से आदित्य में कहा गया था, तो वहां संवत्सर के बाद में इसको ले लेना चाहिए वायु को। ये इनका निर्णय आया, क्योंकि एक वायु का गमन अलग ढंग से लिखा गया और इधर बहुत सारी चीजें लिखी गई, तो इसको कहां पर लेना चाहिए। अब यहां से दिल्ली जाना हो तो दिल्ली कैसे जा रहे हैं, तो बोले रेल से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं। एक जगह लिखा हुआ था कि यहां से चले तो सिटी बस पकड़ी या ऑटो पकड़ा, फिर वहां गए, ठीक है। और भी हो सकते हैं, कहीं दूर से गए बीच में, और दो तीन चीजों, पहले पैदल चल के गए, फिर ये हुआ, फिर दो तीन पकड़ के रेलवे स्टेशन पहुंचे, फिर रेलवे स्टेशन से रेल से गए, और फिर वहां जाके फिर वहां उतरे, फिर किसी वाहन से गए, कार से गए, फिर घर तक पहुंचे। तो बोले अजमेर से यहां कैसे आए, तो बोले रेल से आए, वहां तो एक ही शब्द कहा गया है और इधर पूरी व्याख्या कर रखी है। तो बोले कैसे जोड़ेंगे इसको, तो कहीं तो लगाएंगे बीच में, या एक चीज कही गई है और दूसरे ढंग से भी कोई हो सकता है, जो एक प्रक्रिया में उसको कथन ही ना किया गया हो, बाकी सब चीजें बताई हैं लेकिन एक चीज का कथन नहीं किया गया हो, तो वो कैसे करेंगे। मान लो जो आजकल ट्रॉली में लेके जाते हैं रेलवे स्टेशन से उतार के, कोई अशक्त लोग होते हैं, अब पूरी प्रक्रिया हुई, बोले कैसे आए आप, किसी से पूछा, आप तो चल नहीं सकते, बोले नहीं हुआ, वो ट्रॉली थी उससे चल आ गया मैं, आजकल बिजली वाली चलती है ना रेलवे स्टेशनों पर रखते हैं, तो किसी ने पूछा, मैसूर में भी थी वहां पर, कोई पूछे कि आप कैसे आ गए, आप तो चल ही नहीं सकते हो, रेल से कैसे आ गया, बोले नहीं वो ट्रॉली थी ना उससे आ गया, और पूरा रास्ता बता रखा है, उसमें ट्रॉली वाला कथन नहीं किया हुआ था, कैसे आए, पहले ये हुआ फिर ये हुआ वो हुआ। तो बोले इसी ट्रॉली वाली तो अलग बात है, कि इसको कहां पर जोड़ेंगे, तो बोले रेल से उतर करके और बाहर ऑटो रिक्शा तक या कार तक आएंगे, उसके बीच में जोड़ेंगे इसको ट्रॉली को, ऐसे संगति लगा देंगे ना। तो ऐसे बोले ये वायु का तो अलग कथन कर दिया गया और बाकी सारी वर्णन है, तो इस वायु को कहां डालेंगे, बोले संवत्सर के बाद में डालेंगे, बस यही सूत्र है इसका। देखिए वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम, अविशेष मतलब सामान्य और विशेष, समानता भी देखते हुए और विशेषता भी देखते हुए निर्णय करके यहां पर इसको बैठा दिया इन्होंने, तो इसलिए कोई विरोध नहीं है। भाष्य देखिए, वायुम प्राप्नवंती ते शब्दात ते अब्दात संवत्सराद ऊर्ध्वम, तो वायु को प्राप्त होते हैं वो अब्दात, अब्दात तो सूत्र का अंश है, उसी को इन्होंने खोल दिया संवत्सरात ऊर्ध्वम, संवत्सर के बाद में। इति एषा वायु गमन संगति, वायु के गमन की संगति तो हम ऐसे लगाएंगे, क्यों लगाया ऐसे, उसको उसकी व्याख्या करें। यदुक्तम, जैसा कि कहा है, मासे भय संवत्सरम संवत्सरात आदित्यम, महीने से संवत्सर में और संवत्सर से आदित्य में जाता है छंदों के वाला। तदत्र संवत्सरात आदित्य और मध्य वायुम पदम उपसंहर्तव्यम, संवत्सर और आदित्य के बीच में वायु शब्द ले लेना चाहिए, संवत्सरात वायुम वायो आदित्यम इति, ऐसे संगति लगाएं। क्यों ऐसा, कुतः, अविशेष विशेषाभ्याम, उभयत्र अविशेष विशेषाभ्याम वचनाभ्याम, दोनों ही जगह पे अविशेष माने सामान्य और विशेष तो विशिष्ट हो ही गया असामान्य अतिरिक्त वचनों के द्वारा। उभयत्र प्रकरणयोर विशेषा विशेष वचने विद्यते, इन दोनों प्रकरणों में कुछ तो सामान्य वचन है, ये जो कई वचन आए थे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उपनिषदों में, उनमें से कई वचन तो बिल्कुल समान थे, ये तो अविशेष हुए, और कुछ कुछ चीजें वहां पर अलग अतिरिक्त भी थी विशेष, तो अविशेष और विशेष इन दोनों को देखते हुए। छांदोग्य प्रधारण कयो हो अविशेष समानो अर्चिरादिक्रमा, छांदोग्य और प्रधारणक में अविशेष है यानी इन दोनों में समान है, अविशेष को खोल दिया समानो अर्चिरादिक्रमा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, उसी को उद्धृत कर रहे हैं। तद्य इत्थम विदुर्ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिषम अभिसंभवंती, ये छंदोग्य 5-10-2। और दूसरा बृहदारण्यक का था, ते य एवं एतद् विदुर ये चामी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चि भी अभिसंभवंती, तथा च तत्र उभयत्र विशेषो भेदो भी विद्यते, अब इन दोनों में भेद भी है,
कैसे? यद बृहन्नारण्यक श्रुतौ संवत्सर शब्दों न विद्यते। बृहदारण्यक उपनिषद वाले वचन में संवत्सर का कथन नहीं है, महीनों के बाद में संवत्सर का कथन नहीं है। देवलोक यो को देवलोको अधिको विद्यते, लेकिन उसमें देवलोक अतिरिक्त कहा गया है, संवत्सर नहीं कहा गया और उसकी देवलोक कहा गया है। तथा छंदोग्य श्रुतौ देवलोको न विद्यते संवत्सर शब्दों अधिको विद्यते। बृहदारण्यक की अपेक्षा छंदोग्य में देखेंगे तो वहां पर संवत्सर पढ़ा हुआ है लेकिन देवलोक शब्द नहीं पढ़ा हुआ है। तथापि उभयत्र अर्चिरादिमान क्रमा समानो अस्ति, लेकिन फिर भी अर्ची आदि का जो क्रम पथक्रम बताया वो दोनों ही जगह पे समान बताया। तस्मात अर्चिरादिमतः क्रमस्य प्रथितत्वं सिद्ध्यति। तो अर्चिरादि क्रम प्रथित है, विस्तृत है, स्पष्ट है, खुला रास्ता है, निर्बाध रास्ता है, ये सिद्ध होता है। विशेषोपि उभयोस्तथैव अस्ति, उन दोनों में विशेष भी है, पृथकता भी है। तस्मात तयोः एक वाक्यता संभवति, और जो विशेषता है उसके होते हुए भी इन इनमें सब में ये जो अलग अलग कथन है उपनिषदों में उनकी परस्पर एक वाक्यता बन जाती है क्योंकि समान विषय है। तथा बृहदारण्यक उपनिषदो द्वितीय स्थले पठितस्य वायुम इति पदस्य, तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो दूसरे स्थल पर वायु लिखा गया है उसका संवत्सराद अनंतरम उपसंहाराद एक विषयता अवतिष्ठते, संवत्सर के बाद में उसको लगा देंगे तो एक विषयता बन जाती है। संवत्सर यहां पर है, आदित्य वहां पर है, तो बीच के अंदर वायु है तो उसको वहां पर ले लिया इन्होंने। आगे वायु लोक से उपसंहारस्तु उक्तः, आपने वायु लोक का तो उपसंहार कर दिया, यहां लेना चाहिए, लेकिन इतना ही थोड़ा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको कैसे लेंगे? तो का वचन बता रहे हैं, स एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति, तो इस देवयान पंथ को प्राप्त करके, पंथ रास्ते को प्राप्त करके ये अग्निलोक में आता है। स वायुलोकम, फिर वायुलोक को, और फिर स वरुण लोकम, वरुण लोक को, स आदित्य लोकम, फिर वो आदित्य लोक को, स इंद्र लोकम, इंद्र के लोक को, और फिर प्रजापति लोकम च ब्रह्म लोकम, प्रजापति लोक और फिर ब्रह्म लोक में वो पहुंचता है। तो कौशिकी का वर्णन है, इति वरुण लोकादीनाम सन्निवेश कुत्र कार्य इति उच्यते, वरुण आदि का उल्लेख कहां करना चाहिए, बीच में कहां डालना चाहिए, तो इसका समाधान दिया तीसरे सूत्र में, तड़ितो अधिवरुणः संबंधात। तो तड़िता तड़ित विद्युत कहते हैं, उससे आगे अधिवरुणः, वरुण का कथन उसके आगे आएगा क्योंकि उनका आपस में संबंध देखा जाता है। कैसे है वो भाष्य में बताएंगे, विद्युतः पश्चात वरुणो, विद्युत के बाद में वरुण, वरुणादि समुदायो निवेश्यः, वरुणादि का जो समुदाय है यानी ऊपर और भी जो चीजें हैं उन सबको भी वहां पर ले लेना चाहिए। क्यों? संबंधात, परस्पर संपर्कात, आपस में उनका संपर्क होने से। वरुणस्य आकाशे व्याप्तस्य जलस्य विद्युतासह संबंधात। अभी वरुण क्या है? तो कहा आकाश में व्याप्त जो जल है उसका विद्युत के साथ में संबंध है। जल तो अलग होता ही है लेकिन जो जल आकाश में व्याप्त है उसको यहां पर वरुण शब्द से कहा गया है और उसका विद्युत के साथ संबंध होता है। वहां वो विद्युत वहीं पर ही होती है आकाश में, जहां जल होता है वहीं पर ही विद्युत होती है, तो इस वरुण का विद्युत के साथ में संबंध है। आपो यच्च वृत्वा अतिष्ठंस तद्वरणो अभवत् तम वा एनम वरणम संतम वरुण इति आचक्षते परोक्षेण। तो ये एक वचन दिया गया इन्होंने, आपो यच्च वृत्वा अतिष्ठत, जल जो था वो वृत्वा ढक करके और जो ठहर गया तो तद वर्णो अभवत, उसी को वर्ण कहा गया। वरुण नहीं, वर्ण शब्द यहां पर लिया इन्होंने, व्रीय वर्ण से ही होता है, वर्ण अर्थ ही होता है उसका, वर्ण करना। तो जल फैल करके और वर्ण करके वहां पर बैठ गया, उसको वर्ण कहा गया और उसी वर्ण को वरुण शब्द से कह दिया गया, तो एक ही बात हुई। इति अनेन आकाशे व्याप्तो वर्षणाभिमुखो जल राशिर वरुणा। तो इस प्रकार आकाश में जो व्याप्त जल राशि है, कैसी? जो कि वर्षण के लिए अभिमुख है, अब बस बरसने ही वाली है, बरसने को उद्यत है, ऐसी जो राशि है उसको वरुण शब्द से कहा गया। तस्य विद्युताशय संबंधो यथा च उक्तम, और उसका वरुण का विद्युत के साथ में संबंध है और इसकी पुष्टि ये इस वचन से कर रहे हैं, विद्यो तथे स्तनयति वर्षिष्यति, वो चमकता है, गरजता है
और वर्षिष्यति बरसेगा, ग्रस्ता है चमक रहा है और बरसेगा, तो जो बरस रहा है बरसने वाला है ये जो बात इसके लिए कही गई वो वरुण से संबंधित है। एवं विद्युतो अनंतरम वरुण लोकः तत्संबंधो अग्रिमो वर्गश्च उपसंकर्तव्य है। तो इस प्रकार विद्युत के बाद में वरुण और उससे संबंधित जो अग्रिम वर्ग है, जो ऊपर कहा गया था वरुण के बाद में आदित्य आदि लोग, वो भी वहीं उसी क्रम में उसके साथ साथ समझ लेने चाहिए। तो ये इन्होंने संगति का प्रयास किया, अलग अलग वगैरह वर्णन है, ये उसी तरह से है जैसे उपसंहार कर दिया जाता है, या कुछ वर्णन है या कुछ वर्णन है तो एक दूसरी जगह ठीक जगह लगा करके उसको पूरा कर दिया जाता है। पहेलियां होती है ना, इसमें कुछ चीजें कम है, इसमें भी कोई कुछ चीजें कम है, एक दूसरे से लेकर के इसको भी पूरा बनाओ और इसको भी पूरा बनाओ, उस तरह का ये वर्णन है। आगे चौथा सूत्र, आतिवाहिका तल्लिंगात। तो अब ये जो जाता है अर्ची आदि से, तो इसमें कोई दूसरा शरीर होता है, उसको यहां पर आतिवाहिक शरीर के नाम से कहा गया, क्योंकि उसका चिन्ह मिलता है, लक्षण मिलता है, शास्त्र में वर्णन प्रतीत होता है। तो त एते अर्चिरादयो देवयान मार्गे ब्रह्मोपासकाना मोक्ष प्राप्तये संति आतिवाहिका। तो अर्ची आदि के जो देवयान मार्ग हैं, इसमें ब्रह्मोपासकों का मुक्ति प्राप्ति के लिए आतिवाहिक एक अलग शरीर होता है जो वहां तक पहुंचाता है। यदि भी एक बात कल आपके सामने रखी ही थी कि जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर से निकलेगा और यहां से कहीं मुक्ति के जगह जाएगा, कोई स्थान विशेष हो, ऐसा तो है नहीं, लेकिन यहां जिस तरह का कथन ये लिख रहे हैं उसमें ऐसा मान के चल रहे हैं कि मुक्ति की स्थिति तक पहुंचने के लिए बीच में आतिवाहिक शरीर, सूक्ष्म शरीर उनको चाहिए। आतिवाहिक को खोल रहे हैं, पहले शब्द है इसमें अतिवाह, तो कहा अतिवाहो अर्थात अबाध प्रवाहो, बिना बाधा का जो प्रवाह होता है उसको अतिवाह कहते हैं। वाह मतलब तो जैसे प्रवाह बोलते हैं हम, तो प्र तो प्रकर्षता से हो गया, बाकी वाह ही तो होता है वहां पर, वह प्राप्त हो रहा है, वह प्राप्ण है, तो प्रवाह, और प्र की जगह पर वहां पर अति लगा दिया तो अतिवाह हो गया। तो अतिवाह का मतलब है अबाध प्रवाह, बिना बाधा का प्रवाह, अग्रे अग्रे गमन प्रवाह, ऐसा प्रवाह जो आगे 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 बढ़ता जा रहा है। तत्र भवा आतिवाहिका, और वहां पर जो होने वाला है, वहां जो रहने वाला है उसको आतिवाहिक कहेंगे, आतिवाहिका उसको खोल दिया। प्रेरयिता रह श्रुति क्रमः संति, जो दूसरे को प्रेरित करते हैं, दूसरे को का शरण करते हैं, ले जाने में सहायक होते हैं, उसको आतिवाहिक कहा गया। कैसे, जैसे कि नदी तरंगाह, नदी की तरंगे हों, सूर्य रश्मय है, सूर्य की रश्मियां हो, और विद्युत धारा इव, और विद्युत धारा होती है उसके समान, तो ऐसा शरीर जैसे नदी की तरंगें होती है, नदी बह रही है तो वो दूसरी चीज को ले जाती है, सूर्य की रश्मियां हैं वो बह करके आ रही हैं, ऐसा उसका प्रवाह है आतिवाहिक, जो बड़ी सरलता से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और विद्युत जैसे प्रवाह में बहती है ऐसे ये शरीर भी निर्बाध आतिवाहिक जो शरीर है बिना बाधा के आगे बढ़ता चला जाता है, ऐसा वो शरीर। नहीं मार्ग चिन्हानी न च आवास स्थानानी भोगमयानी वा लोकवत संति। तो ये जो अर्चियों के द्वारा मार्ग है और आतिवाहिक शरीर से जो गमन किया जाता है, इस मार्ग में कोई मार्ग के चिन्ह नहीं है, कोई विशेष चिन्ह नहीं है कि अब ये आएगा अब ये आएगा, ऐसा ऐसा कोई चिन्ह के रूप में रास्ता नहीं है वहां पर, और न ही उनके वहां पर निवास के कोई स्थान है कि थोड़ा विश्राम कर लें, वहां पर रुक रुक करके जाएं, विश्राम करते जाएं, धर्मशाला या आश्रम या कोई होटल विश्राम गृह ऐसा कोई हो जहां रुक रुक के जाएं, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, बस सीधे चले जाते हैं। न च आवास स्थानानी भोगमयानी वा लोकवत संति, लोक में आवास के स्थान और साथ में भोग के भी स्थान है, वहां खाते हैं पीते हैं उठते हैं, क्यों है ऐसा, कथम, क्या ये चुप क्यों नहीं है, तो तल्लिंगात आतिवाहिकत्व लिंगात, आतिवाहिक शरीर का चिन्ह वहां पर प्राप्त होता है। तत्र लिंगम उच्यते, इसमें शास्त्र में क्या संकेत मिलता है वो बता रहे हैं, चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति। ये जो चंद्रमा है ये विद्युत को प्राप्त होता है, और वहां पर उस पुरुष को, वो जो पुरुष है वो अमानव के रूप में रहता है, देवता के रूप में, और वह इन बाकी लोगों को ब्रह्म की तरफ ले जाता है।
तो एतन अर्चिरादीन अवलंब्य स सत्य एव आदित्यम गमयति। तो इन किरणों आदि का आश्रय करके वो शीघ्र ही आदित्य तक पहुंच जाता है। यहाँ से जो चल के जाता है तो आदित्य तक पहुंचने में उसको कुछ विशेष समय नहीं लगता है, वो शीघ्र ही वहां पर पहुंच जाता है। यथा ही उक्तम, जैसे कि यहां पर कहा गया है, छांदोग्य का वचन है, शीघ्रता को बताने के लिए, पुष्टि के लिए वचन दिया गया है। अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतैरेव रश्मिभिर् ऊर्ध्वम् आक्रमते। तो इस शरीर से उत्क्रमण करता है और इन रश्मियों के द्वारा ही ये ऊपर जाता है। ये तो प्रारंभ कर दिया इन्होंने। फिर आगे कहते हैं, स यावत् क्षिप्येन मनः तावत् आदित्यम् गच्छति। वो सूर्य तक, आदित्य तक कितनी देर में पहुंच जाता है? जैसे कि मन को केवल क्षिप्त किया जाए, यावत आक्षिप्यते मनः, जैसे कि मन को किसी जगह लगाया जाता है, इधर लगा दिया, उसमें कितनी सी देर लगती है हमारे को, बस इतनी देर में ही वो यहां से आदित्य तक पहुंच जाता है। मन के एक क्षण में, मन के एक विचार की तरह से वो वहां पहुंच जाता है। एतावत वही लोकद्वारम विदुषाम प्रपदनम। तो इसी प्रकार का ये जो लोक द्वार है, लोक का मतलब है यहां पर ब्रह्म लोक का द्वार है, वो विद्वानों का, योगियों का प्रपदनम, पहुंचने का स्थान है, अंदर प्रवेश का वो साधन बनता है, उसी के द्वारा अंदर जा सकते हैं। तो यहां पर क्षणेन मनस मानस स्फुरण काले नैव स आदित्य पर्यंतम अर्चि आदिनाम अर्चिरादीन अतिक्रामति। तो मन के स्फुरण के जितने समय, मन में एक बस विचार आया, प्रवृत्ति हुई, केवल इतने से काल में ही, इतने से क्षण में आदित्य तक अर्चिरादि से वो अतिक्रमण कर जाता है, गति कर जाता है। तदित्थम कथनम अर्चिरादीनाम मार्ग चिन्हत्वम भोगमय आवास स्थानत्वम च प्रतिषेधति। ये आवास स्थानम, एक अर्थ सकार और जोड़ लीजिए यहां पर। तो ये जो इतना तीव्र कथन किया गया, ये अर्ची आदियों के बीच में आप कोई मार्ग चिन्ह क्या होगा, इतनी सी देर में तो वहां पहुंच जाता है वो, और वहां कोई आवास का स्थान भी नहीं है, भोग का स्थान भी नहीं है, उसका निषेध कर देता है, सीधे पहुंच जाता है। वस्तुतस्ते अर्चिरादयो बाह्य दृष्ट्या तेजसा तेजस तरंगा। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ये इतनी तेजी से चला जाता है, ये है क्या चीज? तो वास्तव में ये जो किरण है अर्चि आदि, ये बाहर की दृष्टि से तो तेजस की तरंग है, अग्नि की तरंग है। बाहर की दृष्टि से तो ये अग्नि की तरंग है, प्रकाश की किरण है तो अग्नि की तरंग है, लेकिन आभ्यंतर दृष्टिया सूक्ष्म शरीर वर्तिनो मानस तरंगा वक्तुम शक्यन्ते। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये सूक्ष्म शरीर में विद्यमान मानसिक तरंगों के रूप में कही जा सकती है। ये केवल विचार के स्तर पर है कि एकदम जैसे वहां पर पहुंच जाता है, ज्ञान के स्तर पर। यथा च लिंगम दृश्यते तत्रैव, इसका संकेत वहां अन्य वचनों से प्राप्त होता है। वचन क्या है? विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति। ये विद्युत तक पहुंचता है, और फिर ये जो पुरुषो अमानवः, अमानव है, उसके लिए इन्होंने कहा तत्र अर्चिरादि क्रमे अंतिमम वस्तु विद्युत। ये जो क्रम बताया, इसमें अर्चिरादि में सबसे अंत में विद्युत है, विद्युत से आगे कुछ नहीं बताया, विद्युत के आगे तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति हो ही गई है। तया तो तैजसत्वम लक्ष्यते अवलंबने। तो यहां पर विद्युत शब्द से तैजसत्व को लक्षित किया जा रहा है, तेजसत्व उसका आश्रय बनता है। तथा बृहदारण्यक श्रुतो, बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा पुरुषो मानसः, पीछे जो आया था वचन कि वहां पर एक मानस पुरुष आता है। अभी पुरुष कैसा है? मानस है, यानी आंतरिक रूप से मानस कहा जा रहा है। तो मानसो देह उक्त सच सूक्ष्म देह, ये सूक्ष्म शरीर ही हो सकता है। आतिवाही का सूक्ष्म देह संख्य शास्त्रे वर्णित, और ये जो आतिवाहिक सूक्ष्म देह है, इसका सांख्य शास्त्र में भी वर्णन प्राप्त होता है, वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये चौथा सूत्र तो पूरा हुआ, जिसमें इन्होंने आतिवाहिक का कथन किया। आगे पांचवा सूत्र, उसकी भूमिका, ब्रह्मोपासका आत्मनः कथम आतिवाहिकैः उह्यमाना ब्रह्माधि गच्छन्ति। ब्रह्मोपासका आत्मनः, ब्रह्म के उपासक जो आत्माएं हैं, वे आतिवाहिक शरीर के, आतिवाहिक पर आरोहण करके किस प्रकार से ब्रह्म की तरफ जाते हैं,
अर्थात इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? कुतो न स्वतंत्र स्वतंत्रा गच्छे और यतस्ते चेतना संति। वो स्वतंत्र ही क्यों नहीं चले जाते जबकि वो चेतन है, जबकि वो चेतन यानी तो आत्मा चेतन है, उसको इस आतिभाविक शरीर की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये इसने प्रश्न किया। तो अत्र उच्यते इसका उत्तर दिया जा रहा है पांचवें सूत्र में, उभय व्यामोहात तत्सिद्धे है। उभय का मतलब दोनों, और दोनों से यहां पर ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को ले रहे हैं। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का व्यामोह होने के कारण से, अर्थात उनके कार्य रूप में न आने के कारण से, बंधे हुए होने के कारण से, तत्सिद्धे है, उस आतिवाहिक शरीर की सिद्धि होती है, यानी वहां आवश्यकता प्रतीत होती है। भाष्य में यही लिखा है, देहाद उत्क्रममाणा नाम यानी साधन भूतानि कर्मेंद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च। तो देह से उत्क्रमित होते हुए लोगों की, आत्माओं की, जो उसके साधन भूत इंद्रियाएं थी, जब शरीर था तब ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, तेषाम उभयेषाम व्यामोह सम्मूर्छनम भवति। उनका व्यामोह अर्थात सम्मूर्छन, सम्मूर्छन का मतलब हुआ वो एक साथ बंध जाती हैं, युक्त हो जाती हैं। जो स्वतंत्र रूप से रहती हैं तो कार्य रूप में रहती हैं, और कुछ ऐसे बांध दी जाती हैं बंडल के रूप में, जैसे सामान को बांध दिया हो हमारी यात्रा में तो उसको निकाल नहीं सकते, प्रयोग नहीं कर सकते हम, इस प्रकार से कुछ वो रहती हैं। तो व्यामोह सम्मूर्छनम भवति तदानीं ते आत्माना संपिंडितेन्द्रिय ग्रामः संत। वो उस समय आत्माएं कैसे होती हैं, जिनकी इंद्रियां, इंद्रियों का समूह संपीड़ित होता है, बंधा हुआ होता है, किमपि कर्तुम अक्षमा भवंती, कुछ भी करने में असमर्थ होती है। जीवित अवस्था में, शरीर में जब आत्मा है तब जो इंद्रियां हैं उस समय कार्य करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो बंधी भी नहीं है, स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं, और जीवात्मा उनका उपयोग ले लेता है, जीवात्मा उनकी सहायता से कार्य कर लेता है, कार्य कर पाता है। वैसे जीवात्मा चेतन है लेकिन वो अपने आप अपने कार्यों को नहीं कर सकता, लेकिन जब इंद्रियां रहती हैं और वो स्वतंत्र रहती हैं, अर्थात आत्मा उनका उपयोग कर सकता है, तो उनके माध्यम से अपने विविध कार्यों को करता है। लेकिन जब मृत्यु के बाद में आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, उस समय ये इंद्रियां संपीड़ित हो जाती हैं, बंध जाती हैं, अब वो काम में नहीं ले सकता है। लेकिन आत्मा अकेला तो कर नहीं सकता, बिना साधनों के कार्य नहीं कर सकता, तो उसको साधन के रूप में सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता या तो आतिवाहिक की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से इन्होंने कहा कि संपिंडित इंद्रिय ग्रामः संतः किमपि कर्तुम अक्षमा भवन्ति तस्मात् तत्सिद्धे तेषाम आतिवाहिकानां सिद्धि ही, उन आतिवाहिकों की सिद्धि होती है। अब ये आतिवाहिक जो पीछे अच्छिरादि बताए गए उन सब का भी ग्रहण कर लेते हैं ये, और सूक्ष्म शरीर के रूप में सूक्ष्म शरीर का भी अलग से भी ग्रहण कर लेते हैं। तो तेषाम आतिवाहिकानां सिद्धिर वांछनीया अतो युक्तम उक्तम, इसलिए जो पीछे कहा गया वो ठीक ही कहा गया, आतिवाहिकों की आवश्यकता होती है। इसी में आगे छठा सूत्र है, वैद्युतेन एव ततस्तच्छ्रुते है। तो ये जो अंत में आते आते इन्होंने विद्युत वैद्युत का जो कथन किया था उसके आगे फिर क्या होता है, उस दृष्टि से कथन है, ततस्तदूर्ध्वम उभय व्यामोहाद अनंतरम त आत्मानो वैद्युतेन तेजोधर्मेण ही वर्तमाना ब्रह्मलोकम मोक्षम गच्छन्ति तथा वैद्युतेन एव। उसके बाद में तो ये जो उभय इंद्रियों का व्यामोह हो जाता है उसके अनंतर वे आत्माएं उस वैद्युत तेज धर्म से युक्त, उससे उससे युक्त होती हुई ब्रह्मलोक को यानी मोक्ष को जाती हैं। तो ब्रह्मलोक और मोक्ष एक ही बात है। कैसे ये पता लगा, तच्छ्रुते विद्युत विषयक श्रुति वचनात्, शास्त्र में जो वचन दिया गया है उसमें अंत में विद्युत का कथन है और उससे पता लगता है कि वो ब्रह्म की तरफ ले जाती है। चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति। तो चंद्रमस से वो विद्युत में आता है और फिर अमानव पुरुष उसको, इनको ब्रह्म की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर विद्युत चूंकि सबसे अंत में आया है, इस दृष्टि से यहाँ ये अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि ये विद्युत जो भी है ये यही अंत में ब्रह्मलोक की तरफ आत्मा को लेकर के जाता है।
इसमें पूछना है किसी को? जी आचार्य जी, इसमें आत्मा नह शब्द बोला है, आत्मा सचेतन होते हैं तो वो खुद ही क्यों नहीं जाते हैं स्वतंत्र रूप से? और आगे तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की दृष्टि से उत्तर दिए हैं, उसका संगति किस पर? हाँ, तो ये जो तो भूमिका में इन्होंने कहा कि वो तो चेतन है तो वो स्वतंत्र क्यों नहीं चली जाती है, उसका ये मतलब है कि आत्मा स्वतंत्र है लेकिन आत्मा हमेशा साधनों के माध्यम से ही करता है। तो जब ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां थी तो उनके माध्यम से वो कर रहा था, तो पूर्व पक्षी है वो तो कह ही सकता है, प्रश्न करता कि वो तो चेतन है, चेतन तो अपने आप ही जा सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि चेतन भी जीवात्मा भी अपने आप बिना साधनों के नहीं कर सकता। तो सिद्धांति का यही कहना है कि पहले जिन इंद्रियों के माध्यम से करता था वो अब कार्य नहीं कर रही हैं, तो अब कोई दूसरा माध्यम चाहिए जिससे वो आगे जाएगा। किंतु आचार्य जी, हम मानते हैं कि जैसे आत्मा मोक्ष में भी कुछ ना कुछ जानता रहता है, उस समय तो उसके साथ कोई ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कुछ होता नहीं है, किंतु अपने आप ही हो तो रहा है वहां पर भी चेतन होने से, तो यहाँ पर भी अपने आप ही चेतन होने से हो सकता है, उस दृष्टि से प्रश्न को ले सकते हैं। हाँ, तो जो मुक्ति के संदर्भ में आपने बात रखी कि मुक्ति में भी इंद्रियां तो रहती नहीं है, प्रकृति के कोई भी तत्व नहीं रहता है, तो वहां फिर वो कैसे जान लेता है बिना साधनों के चेतन होने से? और जैसे वहां जान लेता है तो फिर यहां भी जान लेना चाहिए। तो मुक्ति में भी जीवात्मा परमात्मा की सहायता से ये कर पाता है, अपने आप नहीं कर पाता है। विषय सत्यात प्रकाश के अंदर स्पष्टता से आया है कि किन माध्यमों से वहां पर करता है, तो वहां परमात्मा उसका साधन बनता है। यहां जन्म मरण में और इन सब स्थितियों में प्रकृति प्रकृति के साधन उपकरण कार्य करते हैं, उनकी सहायता लेता है, और मुक्ति में परमात्मा ही उसका साधन बनता है, नहीं तो वहां पर भी नहीं कर सकता। ठीक है सर, और किसी को? ठीक, तो ये जो प्रक्रिया है सारी अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की, ये बार बार सब जगह आता है कि आत्मा अपने आप नहीं जा पाता है। एक दृष्टि से हम देखें, विचार करें, तो ये अगर परमात्मा है और परमात्मा हमारे को एक जगह एक से उधर ले जाता है, उसको जन्म देना है हमारे को, तो परमात्मा उस आत्मा को निकाल के वहां पर पहुंचा सकता है? अतिवाहिक शरीर का मतलब यह हुआ जो अतिवाहन करता है हमारा, ले जाता है साधन की तरह से। अब केवल अगर साधन माने इसको, केवल साधन माने, तो उसको तो मानने की जरूरत नहीं है, फिर परमात्मा ही वो तो आत्मा को इधर से उधर ले जा सकता है सीधे। तो या तो परमात्मा लेके नहीं जाता है इसलिए इस साधन की जरूरत है, नहीं तो दूसरा इसका सोचने का यहां ये बनता है कि ठीक है इसके माध्यम से जाता है, इसके साथ साथ आत्मा जाता है, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर का उद्देश्य केवल अतिवाहन नहीं है, उसके अलावा भी है कि जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, वो भी वहां पर वही पहुंचेंगी उसके लिए। इधर का सामान कुछ उधर जा रहा है, वहां बाकी सामान वहां मिल जाएगा, मकान वगैरह, बाल्टी वगैरह, वो सारा सामान तो लेके जाता नहीं है कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जाए, अपना थोड़ा सामान है वो लेकर के जाता है, बाकी तो सब वहां मिल जाता है। ऐसे ही ये कुछ चीजें लेके जाता है, और इसमें उसके संस्कार होते हैं, कर्माशय होते हैं, ज्ञान इत्यादि जो छवियां बनी हुई होती हैं वो साथ में जाती हैं, वो लेकर के जाते हैं। तो ये केवल अतिवाहन के लिए नहीं है, साथ में इनकी इन तत्वों की भी वहां आवश्यकता है, इसलिए वो वहां पर जाते हैं, और अतिवहन भी साथ में हो जाता है, इस रूप में कह सकते हैं। तो ये इन्होंने अलग अलग ढंग से इस बात को रखा, कैसे कैसे वो जाते हैं, उस प्रक्रिया को बताया। इससे कुछ और बातें आगे देखेंगे, तो पिछले पार्ट में से या इसमें से आप में से जिनको पूछना था वो पूछ सकते हैं। जी बोलो आचार्य जी, सूत्र संख्या 4 में, इसी में जी, जो अभी अभी जो पढ़ा है। हाँ, अतिवाहिक के विषय में अभी आप बता रहे थे। हाँ,
परंतु अभी तो विषय ब्रह्म उपासकों का चल रहा था, तो ब्रह्म उपासक तो मोक्ष में जाते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर तो जाता नहीं है, तो ये आतिवाहिक अगले जन्मों में ले जाने वाला, तो अगले जन्म तो उसके होते नहीं है। तो आतिवाहिक जो सामान्य है, सामान्य जो कथन है ना, वो तो आतिवाहिक शरीर तो सूक्ष्म शरीर ही कहलाता है, ये प्रसंग नहीं है यहाँ पर। अगले जन्म में ले जाने वाला प्रसंग नहीं है, वो आप ठीक कह रही हैं, ये तो मुक्ति की तरफ ले जाने वाली बात है। लेकिन इसको जो सामान्यतः कथन किया जाता है, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों का, प्राणियों का सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में ले जाने में सहायता करता है, इसलिए उसको देहांतर में जाने के लिए अतिवाहन करने वाला यहां से इसको उंगाल करके इसे परे किसी अन्य जन्म में ले जाता है, ये तो इसका सामान्य नामकरण हो गया। उस दृष्टि से मैंने अगले जन्म का कहा था, न स्थूलम इति नियमः, स्थूल शरीर ही नहीं है आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्, सांख्य दर्शन में जो कहा गया कि मात्र स्थूल शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी है और वो दूसरे शरीर में जाता है, ये तो शब्द रचना की दृष्टि से मैंने कहा था। लेकिन इस प्रसंग में तो वो ठीक है, यहां से जो ब्रह्मोपासक है मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, वो इसके माध्यम से मुक्ति तक जाने के लिए ये साधन के रूप में कहा गया है। ठीक है, साधन के रूप में किसे कहा गया है यहाँ पर? सूक्ष्म शरीर को, आतिवाहिक ये जो कहा गया है, यही आतिवाहिक शरीर, मतलब ये सूक्ष्म शरीर ही है। ये समझ नहीं आ रहा आचार्य जी कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ क्यों जाएगा, क्योंकि मुक्ति में जा रही है जब आत्मा, तो आत्मा को क्या आवश्यकता है सूक्ष्म शरीर? ये तो अपन ने पहले भी कल चर्चा की थी, विचारणीय बिंदु है ये कि वैसे भी ये सूक्ष्म शरीर यहीं छूट जाए और बस, मुक्ति तो सब जगह है ही, परमात्मा सब जगह है तो मुक्ति भी सब जगह है, ये विषय तो आपके सामने रख ही चुका हूं मैं, इसमें प्रश्न तो उपस्थित हैं, लेकिन इसका कोई विस्तार इस तरह से उपलब्ध नहीं हो रहा है आखिर की ये क्यों ऐसी व्यवस्था की गई है, या तो कुछ ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है, वो पता होती तो हमें ये समझ में आ जाता कि ये इसलिए कहा गया है, अभी तो हम केवल इतना देख रहे हैं कि ऐसा कहा गया है, इसके आधार पर हम फिर कोई परिकल्पना कर सकते हैं कि एकदम यहां से शरीर से छूटते ही मुक्त नहीं होता वो, फिर आगे जाता है, स्थूल शरीर यहाँ छूट जाता है, फिर और कुछ प्रक्रिया होती होगी तब जा करके वहां तक पहुंचा करके और ये अतिवाहिक शरीर हट जाता है, ये वर्णनों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जैसे हमने अभी विचार किया कि आत्मा, मुक्ति तो हर जगह है, ईश्वर भी हर जगह है, तो ठीक है अगर आत्मा जाता भी है आदित्य रश्मि और वायु और संवत्सर इत्यादि, तो भी सूक्ष्म शरीर की उपयोगिता समझ से करे? नहीं, तब तो सूक्ष्म शरीर की उपयोगिता ले सकते हैं, जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब जो हम उपयोगिता मान लेते हैं गमन में सहायता करने में, और ऐसे ही ये भी यहाँ पर गमन में सहायता कर सकता है, वहां जाके इन तत्वों की आवश्यकता नहीं है, इस दृष्टि से आप कह रही हैं कि सूक्ष्म शरीर अनुपयोगी है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं वहां तो चलो सूक्ष्म इंद्रियां आदि हैं वहां भी आवश्यक हैं, काम आएंगी, इस दृष्टि से आप वहां आवश्यकता देख रही हैं, लेकिन मुक्त आत्मा है उसको तो शरीर धारण ही नहीं करना है, इसलिए ये सारी सारी चीजें साथ में जाए वो आवश्यक नहीं है, आपका ये कथन है, लेकिन इसके साथ साथ गमन वाली बात भी तो है, तो ठीक है अब वो सामान नहीं है लेकिन लेकर के जा रहे हैं, तो ये तो गमन मात्र के लिए ही कह रहे हैं, उसको वहीं तक लेकर के चलेंगे। और कोई? हाँ, पृष्ठ संख्या 235, सूत्र संख्या 16, ऊपर से पांचवी पंक्ति जो छांदों के उपनिषद का उदाहरण दिया गया है उसमें आया है कि एवं एवा खलु सुम्या इमाह सर्वाह प्रजासति संपत्या न विदुः, ऊपर भी आया है कि नाना वृक्षाणाम, इस जो छांदों के उपनिषद का उदाहरण दिया गया है इससे इसका तात्पर्य हमें ऐसा लगता है कि जो अविभाग है वो भिन्न भिन्न मोक्ष आत्माओं, मोक्ष में गए हुए भिन्न भिन्न आत्माओं के में अविभाग है, परंतु कल ऐसा भी बताया गया था कक्षा में कि अविभाग गुणों की दृष्टि से ईश्वर और मोक्ष में गए जीवों में है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर इसमें अविभाग किसमें किसमें है। देखिए, इसमें जो दृष्टांत है उसका पूरा अंश तो लगेगा नहीं, वो तो फिर संगत नहीं होगा, अगर हम दृष्टांत को ले लें कि अलग अलग वृक्षों से, पौधों से, पुष्पों से जो तत्व आए हैं, मधुमक्खियां लेके आई हैं और एक शहद बन गया, और अब वो ये नहीं जान रही है कि हमारे में से कौन कहां से आया है, तो यहां भी हमें कुछ ऐसा कल्पित करना होगा कि हम बहुत सारी चीजें कहीं एक जगह पहुंची हैं और एक तत्व बन गया है, और अब वो ये नहीं जानते कि हम कहां से आए हैं,
हमारा मूल क्या है, स्रोत क्या है, ये उनको नहीं पता है। तो उस दृष्टि से आप देखने लगेंगे और मुक्ति के संदर्भ में देखेंगे तो ये घटेगा कि बहुत सारी आत्माएं अलग अलग शरीरों में थी, मनुष्य शरीरों में, वहां से जीवन मुक्त होकर के मुक्ति में पहुंची और वहां वो इकट्ठी हैं और उनको अब ये नहीं पता है कि हम किस शरीर से आए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं प्रतीत होती कि वहां ऐसे युक्ति हम करें, वो तो ज्ञान की अवस्था है, वो चाहें तो परमात्मा से जान सकते हैं उसी समय पहले किस शरीर में थे हम। लेकिन यहां जो आगे कथन कहा है सती संपद्यते, सती संपद्य न विदुः, उसमें जाते हुए भी ये जानते नहीं है, क्या नहीं जानते हैं, सती संपद्यामय उस परमात्मा में है ये नहीं जानते। मधु वाले उदाहरण से तो कि हम कहां से आए हैं ये नहीं पता लग रहा था, और यहां है कि हम परमात्मा में है ये नहीं पता लग रहा है, कहां से आए ये नहीं। तो उस दृष्टांत के कहां से आए हैं ये वाला अंश नहीं लगेगा, केवल इतना लगेगा कि जानते नहीं है वो। और ये जो सारा प्रसंग है उस दृष्टि से कि ये जो जन्म आदि लेते हैं, ये सामान्य जीव हैं, वो परमात्मा में रहते हुए भी ये नहीं जानते कि हम परमात्मा में रह रहे हैं, उस तरह का है उसका विनियोग, उस संगति इन्होंने यहां इस प्रसंग में कर दिया। तो अभिभागो वचनात्, वचन यहां तो ऐसा आना चाहिए था अच्छा, जो कि ये संपत्त्यात्मक मतलब संपद्यते मतलब ये आत्माएं मुक्ति में जाती हैं उससे संबंधित होता। तो अब उस पर कटाएंगे तो वो अभी तो मेरे को संगत नहीं लग पा रहा है, इन्होंने तो ऐसा ही लिखा। और आचार्य जी पृष्ठ संख्या 237 सूत्र संख्या 21 सूत्र संख्या 21 21 आचार्य जी इसमें अंतिम पंक्ति में इस सूत्र की भाष्य की अंतिम पंक्ति में अथ च एते उभयपि दक्षिणायन उत्तरायण फल प्रदर्शने स्मार्ते नहि श्रुति विहिते तस्माते न आदरणीय, इस तरह से कहा गया है। ये स्मार्त है, श्रुति विहित नहीं है, इस कारण से ये आदरणीय नहीं है। किंतु जो स्मार्त होते हैं वो भी एक तरह से मूल श्रुति का ही होता है, क्योंकि श्रुति से जो स्मरण किया गया स्मृति में होता है उसी से हम जो निकालते हैं वो स्मार्त है, तो उनको हम आदरणीय तो मान ही सकते हैं। हाँ ठीक है, स्मृति से जो आए हैं स्मार्त है वो भी आदरणीय होने चाहिए, वो ठीक बात है। लेकिन इन्होंने लिख दिया है कि वो आदरणीय नहीं है, अनादरणीय है। तो उसका दो तरह से हम अर्थ ले सकते हैं कि श्रुति या श्रोत के समान आदरणीय नहीं है, उनके समान आदरणीय नहीं है इसलिए कह देते हैं कि आदरणीय नहीं है। जो सबसे अधिक आदरणीय है उसको कहते हैं ये तो आदरणीय है, और बाकी आदर तो सभी का करते हैं लेकिन कहीं नहीं ये आदरणीय नहीं है। दूसरा अनादरणीय शब्द में जो निषेध है अन है उसको अल्प अर्थ में ले सकते हैं। अनादरणीय का मतलब बिल्कुल भी आदरणीय नहीं है ऐसा ना करके अल्प आदरणीय है, तो पहले वाले से भी संगति लगेगी। और श्रुति की अपेक्षा तो स्मृति दुर्बल होती ही है, उसका आदर सम्मान श्रुति की अपेक्षा नहीं हो सकता, श्रोत के समान स्मार्त का नहीं हो सकता है। जो चीज़ हमारे को स्मृति ग्रंथों में मिल रही है और हम समझ रहे हैं और एक सीधे वेद से मिल जाए तो उन दोनों में से किसको प्रबलता मानेंगे। आदरणीय मतलब हम उसको स्वीकार करते हैं अधिक है, तो श्रोत को ही स्वीकार करेंगे स्मार्त को नहीं करेंगे, वो दुर्बल होती है, कम आदरणीय होती है, उतनी संगति लगा सकते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। और कोई जी आचार्य जी अभी जो हमने पढ़ा 240 पृष्ठ पर चौथा सूत्र, हाँ। इसमें अतिवाहिक शरीर जो बताए हैं इसको मानसो देह उक्ता नीचे से दूसरी पंक्ति में, और अतिवाहिका सूक्ष्म देह, तो ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों वाला है या कोई दूसरा अलग भी माना जा सकता है? वही है, 17 तत्व कहें या 18 कहें वही, उसी के लिए कहा जा रहा है। ये तो नीचे जो इन्होंने कहा है ना, इन्होंने कहा कि जो विद्युत शब्द है इसे किसको ग्रहण करना चाहिए, जो अर्ची आदि और ये जो कथन किए गए, तो इन्होंने कहा कि एक तो स्थूलता से ये जो भौतिक पदार्थ हैं सृष्टि के प्रकृति से बने हुए वो, और एक है कि मानस स्तर पे इसको हम ले लेंगे केवल, क्योंकि इन्होंने कहा मानसो देह उक्ता सच सूक्ष्म देह, एक मानसिक है आंतरिक है जिसमें मन की प्रमुखता है, उतना मान करके यहाँ पर किया इन्होंने। क्योंकि इन्होंने देखिए प्रश्न क्या किया कि अंतिमम वस्तु विद्युत तया तो तैजसत्वम लक्ष्यते अवलंबते, विद्युत देखते हैं तो हम किस भूत की कल्पना करेंगे, तैजस की अग्नि तत्व की करेंगे ना कल्पना,
आकाश में जब विद्युत देखते हैं तो विद्युत का मतलब क्या लेंगे, अग्नि तो लेंगे ना, तेजस लेंगे। तो लेकिन इसको विद्युत में मतलब इस भूत में अग्नि में चला गया ऐसा ना समझ करके यहां पर मानसिक रूप से समझना चाहिए विद्युत को। कि विद्युत जैसे तीव्र प्रकाश वाली होती है, अचानक प्रकाश वाली होती है, तीक्ष्ण होती है, ऐसे उसका प्रकाश सूक्ष्म तीक्ष्ण होता है ये मानते हुए ज्ञान प्रकाश मतलब यहां पर ज्ञान लेंगे आंतरिक रूप से, उसको विद्युत नाम से कहा गया। आचार्य जी ऊपर दूसरी पंक्ति में जो इसका वर्णन किया गया आतिवाहिका का, अतिवाहो अबाध प्रवाहो अग्रे अग्रे गमन प्रवाह तत्र भवा आतिवाहिका प्रेरयी तारह, तो उसको प्रेरित, तो इसको हम सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं मान सकते? नहीं, सूक्ष्म शरीर ही मानेंगे, वो प्रेरित करता है। प्रेरित करता है मतलब आत्मा को उस तरफ ले जाने के लिए लेके जाता है, उधर लेके जाता है, इस रूप में यहाँ पर लिया है उन्होंने, भिन्न नहीं मानते हैं इसको। धन्यवाद। बोलिए जी। पहले सूत्र में जो छांदोग्य का जो इन्होंने दिया है, उद्धृत किया है, तो उसमें दिन पक्ष मास संवत्सर आदि से होते हुए जाना बताया है, और चौथ और बाद में जो सूत्र आया उसमें बताया है कि वो तो इतने देर लगता है उसको कि जैसे कि मन का एक विचार आया हो, तो फिर यहाँ पर जैसे मास आया है, संवत्सर आया है, तो फिर उनको किस तरह से समझेंगे? ये काल की दृष्टि से तो लगेगा कि भी एक साल लगेगा, लेकिन वो तो एकदम आदित्य में पहुंच जाता है, इससे पता लगता है कि ये प्रतीकात्मक कथन है और ये ज्ञान की वृद्धि को बताते हैं केवल, क्योंकि किरण है वो भी एक प्रकाश रूप है, दिन आया वो भी प्रकाश है, शुक्ल पक्ष आया ये भी प्रकाश है, लेकिन प्रकाश अधिक अधिक होता जाएगा, उत्तरायण है वो प्रकाश अधिक होता जाएगा, पूरा संवत्सर है वो और अधिक प्रकाश है, ऊर्जा प्रकाश, और फिर आदित्य कहा। तो ये ज्ञान के प्रतीक समझने चाहिए, ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है, पहले इतना था फिर और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते ज्ञान को की प्रधानता यहाँ पर मानी गई है। बस वो ये एक प्रक्रिया होती है, ज्ञान बढ़ते 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 परमात्मा तक पहुँचता है, लेकिन यूं गमन की दृष्टि से देखेंगे, काल और स्थान की दृष्टि से, तो उसी समय पहुँच जाएगा, उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए, ये प्रतीकात्मक कथन मानना चाहिए। हाँ, एक और जी, ये जो पहला सूत्र था तो उसमें बताया था कि संवत्सर से आदित्य में जाता है, फिर चंद्रमा, और फिर उसके बाद ये विद्युत में, और ये जो दूसरा सूत्र था उसमें पृष्ठ संख्या 240 पर, 240 पर जो ऊपर है उसमें वरुण लोक और आदित्य लोक ये बताया था, और आगे वरुण लोक को विद्युत के बाद लगाया था, तो पहले इसी में आदित्य आ गया है और फिर बाद में आदित्य लोक, तो ये अलग अलग कैसे कर सकते? इसकी कोई संगति इन्होंने नहीं दी है, वो तो सामान्य रूप से कथन कर दिया है, प्रश्न तो उठेंगे लेकिन कुछ खोला ही नहीं है इन्होंने, इसके लिए कोई उत्तर देना मुश्किल है। विचारणीय बातें हैं कि इनकी सब तरह से संगति लग सके, बहुत विचार के बाद में कुछ हो सकता है, अभी कोई इसकी संगति नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।